तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। 1, 2 डिवोर्स। विनी की शादी के लिए घर जा ही रहे हैं, उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कौन से पापा अपने बच्चे के डिवोर्स के बारे में सुनने के लिए जोन में होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। कब? ये बीवियाँ शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे ये बीवियाँ मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा होता है? घरवाली। क्यों? क्योंकि उसे बार बार मनाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ। एक दूसरे से, तू समझ रहा है ना? आई कुकू। हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए, अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है, अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। जितने भी नचते ने सारे कोई नहीं हो तेरे जैसा लगदा। मुझे समझ आ गया पापा जी की प्रॉब्लम क्या है। मतलब पापा जी ठरकी हो गए, ठरकी कुकू ठरकी। तेरे नैना के बीच में सब ठीक है ना बेटा? अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना तो अपने पापा से ले लेना, पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छी सलाह देंगे। तेरी माँ मीरा से मिलना चाहती है। मीरा कौन है? पापा जी की गर्लफ्रेंड। ओ तेरी मानू तेरी। दुनिया में जी हिटना है पंजाबी साज। नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब नाच पंजाब। रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस। डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं? नहीं तो कौन? ये दोनों और कौन? तुम दोनों कान खोल के सुनो। तुम दोनों, इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा।